मेरे बेटे ने मुझसे सवाल पूछा कि हुकूमत किसकी है। मैंने कहा इमरान खान की, कहता है पिछली हुकूमत किसकी थी। मैंने कहा नवाज शरीफ की और उससे पिछली जरदारी की। फिर बच्चे ने पूछा इससे पिछली, मैंने कहा मुशर्रफ की और उससे पिछली नवाज शरीफ की और उससे पिछली जरदारी की और उससे पिछली नवाज शरीफ की और इससे पिछली जरदारी की। वो पूछता गया, मैं बताता गया। मैं हैरान था कि क्यों पूछ रहा है, मगर आखिरी सवाल हैरान कन था। जब हुकूमत जरदारी और नवाज शरीफ करते रहे तो लोग पैसों का हिसाब इमरान से क्यों मांग रहे हैं। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, आपके पास है तो बता दें। इमरान खान आखिर क्या चाहता है? पागल खान, हिटलर खान, यूटरन खान, जक़ात खान, कैंसर खान, सोनानी खान, यहूदी खान, तालिबान खान, एस्टेब्लिशमेंट खान, ये खान वो खान, कौन है ये बंदा जो इतनी सारी बुराइयों का बैक वक्त मजमू है? क्या क्या जुल्म डाए हैं इस बंदे ने इस मुल्क पर? 5-7 साल में इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया होगा जो इतने मुख्तलिफ गलीज नामों से पुकारा जाता है। और कौन है इस नामों से पुकारने वाले? मुल्क कौम के वो हमदर्द जिन्होंने 5-7 साल से इस मुल्क को तरक्की की गहवारा बनाने में कोई कसर न छोड़ी। वो सरदारी जिसने कभी भूखी नंगी कौम के पैसों से घोड़ों के मरने मुरब्बे ने ही खिलाए। वो शरीफ खानदान जिसने कौम की हड्डियों से गोदा तक निचोड़ कर दिया। बर्मे ने अरब डालों के कारोबार नहीं लगाए। वो अल्ताफ भाई जिसने रोशनियों के शहर में 25 साल में 25,000 लाशें नहीं गिराई। वो अस्पंजार वली जिसने पख्तून कौम को इसकी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर 3.5 करोड़ डॉलर के इवज़ नहीं भेजा। वो फजलुर रहमान जिसने बेनज़ीर से लेकर मुशर्रफ और जरदारी से लेकर शरीफों तक हर हुकूमत में चंद वजारतों के लिए इस्लाम का पाक नाम बेचा। ये सिटी, ये मीर शकील इफ्तिखार चौधरी, मीडिया मालिकान, ये सबके सम इसके मुखालिफ आखिर क्यों हुए? क्या इस वजह से कि इस बंदे ने कायद आजम के पाकिस्तान को पिछले 65 साल में इस हाल तक पहुंचाया? और क्या चीज़ है जो इस बंदे को बेचैन रखती है? 65 साल की उम्र में जब लोग अपने बच्चों के साथ, इस उम्र में ये बंदा पाकिस्तान के तुलु अर्ज में दीवानों की तरह कहता है, आखिर क्या चाहिए इसे? इसके मुखालिफिन कहते हैं कि इसे वजारत उज़्मा की तलब है, ये चेंज किए हुए हैं के उसे वजारत उज़्मा की तलब ने बेचैन किए हुए। क्या वाकई? लेकिन आखिर वजारत उज़्मा की तलब किसको होती है? पैसा के लिए, शोहरत के लिए, करप्शन के लिए? लेकिन पैसे के लिए? लेकिन पैसे का तो इस बंदे को लालच नहीं, और दुनिया जानती है और इसकी सारी ज़िंदगी इस अमर की गवाह है। इसने तो अपना क्रिकेट से कमाया हुआ अक्सर पैसा भी इस मुल्क के गरीबों के लिए शौकत खान अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी से में जूम किया। पैसा ये चाहिए होता तो बरतानिया में किसी काउंटी टीम की कोचिंग संभालता और साथ ही क्रिकेट मैचों में कुमंडे से करोड़ कमाता। पैसा चाहिए होता तो जमाए मकान से तलाक के इवज बरतानिया कवानीन के मुताबिक अरबों वसूल कर सकता था शोहरत के लिए। लेकिन इमरान खान से ज़्यादा शोहरत भला किस पाकिस्तानी को अल्लाह ने दी होगी? वो शख्स के बरतानवी शाही खानदान जिसके साथ उठते बैठने में फख्र महसूस करता और इंडिया से तुर्की और दिवस तक मगरी बगैर किसी सरकारी अहदे के इसे हाथों हाथ लिया जाता है। वाहिद पाकिस्तानी लीडर जिसको बिरूनी दुनिया ने करप्शन या स्विस अकाउंट या बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि इसका नाम अच्छे लफ्जों में लिया जाता है। इससे ज़्यादा मजीद शोहरत की क्या ज़रूरत होगी करप्शन के लिए? लेकिन करप्शन का तो ये बंदा रवादार ही नहीं। इस बंदे को समझना हो तो चंद लम्हों के लिए अपने आप को इसकी जगह रख कर अपनी अपनी आँखें बंद करके सोचे। क्या भिखारी बनना आसान है? किसी की आगे जूली पी लेना और सवाली बनना, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि कौम के सिसकते हुए गरीब मरीज बच्चों के वास्ते, वो क्या चीज़ है जिसने इस ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता पाकिस्तानी तारीख के मशहूर तरीन क्रिकेटर और कामयाब तरीन कप्तान को भिखारी बनने पर मजबूर किया? गली गली, शहर शहर, गाँव गाँव अपनी इज्जत नफ्स को पस्त पुश डालकर जूली फैला कर भिखारी बनने पर मजबूर किया। 22 साल से ये बंदा जूली फैलाए मुल्क और बिरूनी मुल्क सिर्फ पाकिस्तानियों से पाकिस्तानियों के लिए भीख मांगता है। कोई इसे भिखारी हुए कोई ताना देता है, कोई ज़कात खान कहता है, कोई किसी और तरीके से मजाक उड़ाता है, लेकिन ये बंदा फिर भी पीछे नहीं हटता। ये आसान नहीं है, खुदा की कसम ये आसान नहीं है। कदम कदम पर दिल को मारना पड़ता है, अपनी इज्जत नफ्स अना और फ़ख्र का खून करना पड़ता है। यकीन ना आए तो कभी करके देख ले, जूली फैला कर किसी दिन लोगों के सामने खड़े हो, वो भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। शुक्रिया।